बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमानों के साथ हम यहाँ विजय चौक संसद के बाहर मौजूद हैं। संभल विवाद, मथुरा और अब अजमेर में जो कुछ हो रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें रोज नए नए लोग इस विवाद में कूद पड़ रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है, फ्राइडे को मस्जिदों में नमाज होती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं इमाम बुखारी, इनकी तकरीर का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें ये कह रहे हैं कि संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां पर खौफ का माहौल है और प्रशासन की नियत सर्वे कराने की थी ही नहीं, बल्कि दंगे कराने की उनकी नियत थी। इनके कुछ सवाल हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये हालात वहां पैदा करने वाला आपका दोस्त कैसे हो सकता है, इस किस्म की बातें वो ये कर रहे हैं और संभल में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले आप इन्हीं की बात सुन लीजिए, फिर अभी योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की, अब उपचुनाव के नतीजों के बाद खासकर किसी को इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले इमाम बुखारी की बात। जबकि पूर्ण तरीके से पहला सर्वे कराया गया, कमेटी के लोग संभल लोकसभा के रुकन जियाउर रहमान पर वहां मौजूद रहे और खुश अजनूबी से ये पहला सर्वे अंजाम पा गया। एक मरतबा सर्वे करने में फैसले की गुंजाइश थी, लेकिन फिर दो दिन बाद दोबारा सर्वे बिना अदालत की इजाजत के किया गया। इत्तला दिए है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह ऑर्डर किया दूसरे सर्वे का। सुबह नमाज फजर के वक्त टीम वहां पहुंचती है। अगर टीम में सिर्फ सर्वे से मुताबिक अराकीन होते तब भी हमें समर आता था। 2019 में बाबरी मस्जिद के हवाले से तमाम जमीनी हकायक मस्जिद के हक में उनकी निशानदेही करते हुए फैसला मंदिर के हक में दिया था। हम रोजे अव्वल से ही, यानी हिंदुस्तान का मुसलमान रोजे अव्वल से ही अदालतों के फैसले को मानने की बात करता रहा और उसने हमेशा अपने आप को इसका पाबंद रखा। कई दहाइयों से बराबर ये बात करते रहे कि हम अदालतों के फैसले को मानते हैं। अदालतों के फैसले हकाइक पर होने चाहिए, जज्बात पर नहीं। हिंदुस्तानी अदलिया की तारीख में ये वाहिद फैसला था जो अक्सरियत के मजहबी जज्बात की बुनियाद पर हकाइक से गर्दानी करते हुए इसके हक में दिया गया। मेरा ये सवाल है वजीर आजम, ये जो कुछ हो रहा है और जो इसके करने वाले हैं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरा ये इशारा आप खुद समझ सकते हैं। मैं जिसको कह रहा हूं कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, जिन्होंने यहां तक संभल के आवाम को लाकर खड़ा कर दिया। कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है, अब तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। वर्तमान में संगठन के अपने कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों के साथ हमें संगठन के साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन अब हमें उस मोड़ की तरफ जाना है। हमारे जो नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, इनके पास भी लगभग 2 वर्ष का समय है। इन 2 वर्ष में सघन जनसंपर्क के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना, एक एक के साथ बेहतर संवाद बनाना और सरकार के कार्यक्रमों को जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण करेंगे, मेरा विश्वास है कि 2027 में
इससे भी बेहतरीन सफलता प्राप्त होने में हमें मदद मिलेगी। ये आपको पहली नजर में दो अलग अलग खबरें दिखाई पड़ सकती हैं जो दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अपने जुम्मे के खुतबे में कह रहे हैं वहां मौजूद मुसलमानों से, और योगी आदित्यनाथ में जो एक पॉलिटिकल दावा किया कि 27 में हमारी सरकार बनेगी। अब तो उपचुनाव ने भी उस पर एक किस्म की मोहर लगा दी है, लेकिन ऐसी बिल्कुल अलग चीजें हैं नहीं, क्योंकि हम लोग ने पहले भी बात की कि देश के अंदर जिस किस्म के जनादेश आ रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में खासतौर पर, उसने ये दिखाया है कि इस किस्म की बातों का जो ये शाही इमाम कर रहे थे इलेक्टोरेट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए महाराष्ट्र के वोट को बहुत लोग हिंदू वोट कह रहे हैं, हिंदुत्व पर पड़ा वोट भी कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे थे, पहले तो ऐसे लोगों की पिछले 10 साल के अंदर पूरी तरीके से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म सी हो गई थी, वरना इन लोगों के बयान रोज सुर्खियों में रहते थे। इनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता लाइन लगाकर जाया करते थे, सेंट्रल पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े नेता जाते थे इनके पास, ये निकालते थे ऑर्डर, फतवे निकालते थे कि मुसलमानों को इस पार्टी का साथ देना चाहिए, इस नेता के पीछे खड़े होना चाहिए। अब वो आपने महाराष्ट्र में कुछ होता हुआ देखा, लेकिन इससे पहले इस सब ये सारा ट्रेंड खत्म सा हो गया था। अब वो बात क्या कह रहे हैं, आप अदालत के ऊपर शक पैदा करो। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले में पहली बार हिंदुस्तान के अदालती इतिहास में ऐसा हुआ कि फैक्ट्स के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि मेजॉरिटी की भावनाओं के ऊपर फैसला दे दिया गया, और वहीं से ऐसे लोगों को जो है हौसला उनका बढ़ गया जो अब अलग अलग मस्जिदों में जाकर वो दावे कर रहे हैं। फिर मोदी को कटघरे में खड़ा करो कि नरेंद्र मोदी आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है, और जो लोग यूपी में ये सब करा रहे हैं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि मैं इशारों में कह रहा हूं, समझ जाइए, शायद वो योगी जी की ओर इशारा करना चाह रहे थे जिनको भी आपने सुना है। लेकिन ऐसा करके वो अपना भरा कर रहे हैं क्या, ऐसा करके जो उनका पॉलिटिकल एंड हो सकता है कि हम किसी तरीके से बीजेपी को हटाएं या कमजोर करें, कहीं उसका उल्टा ही तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे ये शाही इमाम साहब जामा मस्जिद में। देखिए सौरभ जी, एक तो ये कि शाही इमाम और ऐसी चीजें, ये मुसलमानों के लिए अपना उनका तरीका हो सकता है सम्मान प्रकट करने का। बस एक चीज, आप मस्जिद में बोल रहे हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं देश के संविधान में इसका कोई अलग से कोई महत्व तो नहीं। अब सवाल यह है कि वो मुसलमानों के लिए जो बात कर रहे हैं, क्या वो देश के संविधान की मूल भावना के विरोध में जाती है, क्या उसके प्रतिकूल जाती है, तब वहां मुश्किल है। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से धार्मिक है, चलो आज नमाज के बाद की बात करनी है, वो ढेर सारी बातें करते हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन अगर वो संविधान की भावना के प्रतिकूल जा रहे हैं, और इस देश का लोकतंत्र इसीलिए वाइब्रेंट है, इसीलिए लगातार किसी को भी भ्रम हो कि फलाने का लोकतंत्र हो गया, फलानी पार्टी हो गई, फलाने, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी तरह से जनता तय करती है कि ये व्यक्ति है जो आज के समय में ठीक रास्ते पर चल रहा है, देश को आगे लेकर जा रहा है। और देश के लोगों को यह भी लगता है कि हमने एक फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स लंबे समय तक देखी, उसने देश को हर पैमाने पर पीछे किया, हिंदू मुस्लिम दंगे उसी दौरान सबसे ज्यादा हुए, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ उसी समय सबसे ज्यादा हुए, हिंदुओं की आस्था पर हमले उसी समय सबसे ज्यादा हुए। और अब जब ये कहा जा रहा है कि जिसको आप बार बार कहते हैं कि अरे इस वक्त हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो आंकड़े उठाकर देखिए, दंगे खत्म हो गए, ना के बराबर हो गए, आतंकवादी हमले शून्य हो गए, भारत की विश्व में प्रतिष्ठा शानदार हो गई, दुनिया के मंचों पर हमारी बात सुनी जाने लगी, और सबसे जो बेहतर बात है, हम जब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो उस फ्रॉड सेकुलर एरा में नहीं चली। फ्रॉड सेकुलर एरा में जो कम ग्रोथ रेट थी उसको फ्रॉड सेकुलर्स ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया, जबकि असल हिंदू ग्रोथ रेट अब हो रही है, दुनिया में हम सबसे ज्यादा तेज तरक्की करने वाले देश हैं। ऐसे में जब ये बातें सुनाई देती है ना, तो हमको लगता है मुसलमान भी सोचे जा कि उनके धार्मिक गुरु लोग या जो भी उनके जिनको जाके शाही इमाम जाने क्या क्या कहते हैं, वो कहां ले जाना चाह रहे हैं उन्हें। उन्हें तो लोकतंत्र की मुख्य धारा में आना है, भारत जैसा देश मिला है, वरना दुनिया के दूसरे देशों में क्या क्या स्थितियां कोई छिपी हुई थोड़ी ना है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बगल में। देखिए, हम लोग ने पहले भी बात कई बार की है कि जब कोई धार्मिक नेता लोगों से बात कर रहा होता है, वो जिस जगह खड़ा होकर के बात कर रहा है उसका इम्पैक्ट अलग है, उसका दर्जा अलग है लोगों की निगाह में। अब ये इनके पदवी इनके पास शाही इमाम की है। अभी मुझे याद है झारखंड के इलेक्शन चलते इलेक्शन के बीच में झारखंड वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाला कि जुम्मे की नमाज के बाद जो भी मौलाना खुतबा करते हैं, इमाम लोग जो करते हैं, वो हमको पहले स्पीच भेजिए, हम ओके करेंगे तब आप लोगों को पढ़ेगा, नहीं तो नहीं आप पढ़ सकते, क्योंकि मस्जिद वक्फ के अंदर आती है, हम वक्फ के चीफ हैं। बड़ा हंगामा उसके ऊपर हो गया। इसीलिए उनका कहना यही था कि आप पॉलिटिकल स्पीच ना करें वहां जाकर, आज आप अदालतों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इंप्रेशन लेके जा रहे हैं अपने मन में वो मुसलमान जो वहां सुनने, बच्चे को लेकर के क्या हुआ है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि
जो लीडरशिप है मुस्लिम समुदाय की, शाही इमाम हो गए अलग अलग मस्जिदों के, इन सबको कम से कम एक बॉटम लाइन तय करनी चाहिए कि इसको, इस रेड लाइन को हम लोग क्रॉस नहीं करने वाले हैं। और ये लगभग भड़काऊ भाषण ही है एक तरह से। अगर आप कोर्ट्स की बातें नहीं मानेंगे, कोर्ट ने जो लीगल प्रोसीजर्स फॉलो की हैं उनकी बात नहीं मानेंगे तो चीजें रुकेंगी कहाँ? आप लोग खुद चाहते हैं कि हिंसा ना हो। अगर हिंसा नहीं हो तो कम से कम आप लोगों को तर्कसंगत तो रहना है। आप लोग सिर्फ भावनाओं को स्ट्रोक करके लगातार अगर आप भावनाएं भड़काएंगे तो कैसे होगा? आपकी बात जायज है, उसको रखने का तरीका भी तो ठीक होना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है कि आपकी बात में दम है तो ये तरीका तो नहीं हुआ रखने का। और अगर आप हर जुम्मे के दिन आप लोग लगातार उसको केंद्र बना देंगे, राजनीति का केंद्र बना देंगे कि भावनाओं को भड़काने का, तो ये फिर वो हिंदू समाज चाहेगा कि हम भी रिटेलिएट करें। तो यहाँ जाके चीजें, यदि आरोप लगाया जाता है कि हिंदू समाज कट्टर हो रहा है, देखो बीजेपी के पीछे इतना सारा वोट आ गया, तो मतलब हिंदू समाज एकजुट होकर के हिंदू मुसलमान की बात। ये छटपटाहट है, लेकिन ये छटपटाहट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव में देखा, कहीं पोलराइजेशन अगर नहीं होता तो इनके जो नुमानी ने आके जो किया उसके बाद जो दुर्गत हुई है वहां की राजनीति की और विपक्ष की राजनीति की, उसका अनुमान तो इनको समझ में आ ही जाना चाहिए, पर नहीं आ रहा समझ में। और झेलेंगे तो शायद समझ में आए, लेकिन शायद हमारे ऑपोजिशन को समझ में आ रहा है। प्रियंका गांधी बांग्लादेश पर बोलती हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, राघव जड्ढा पार्लियामेंट में आज थे, उन्होंने भी यहां पर बात की। उनकी पार्टी दिल्ली में क्राइम का मुद्दा उठा रही, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश पर बात की और कहा कि भाई मोदी जी इस पर कुछ आप कीजिए। चलिए किसी भी बहाने सही, चाहे चुनाव के नतीजे देखकर ही सही, अगर आपको कहीं अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। पहले भी लोग मानते थे, अब आपकी आंखें खुल रही हैं। मैं आपको राघव चड्ढा की बात सुना रहा हूं, और हिंदू समाज के अंदर भी जैसा उन्होंने कहा एक किस्म की चरनी है। अब ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये 9 दिन से पिछले यात्रा निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ओरछा में आज जाकर उनकी यात्रा 9वें दिन खत्म हुई है, हिंदू एकता यात्रा। अब उसमें बात क्या कर रहे हैं कि जात पात छोड़ो, जात पात भारतीय समाज में भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं आपको दोनों बातें सुना रहा हूं कि हमारे नेताओं को भी अब ये बात समझ में आ गई कि आप हिंदुओं की भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते, और समाज के अंदर भी ये बातें हुई। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा की मांग करी थी, वो विषय था बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हमले, और साथ ही साथ वहाँ इस्कॉन के एक संत चिन्मय दास जी की जिस प्रकार से अवैध गिरफ्तारी हुई है उस विषय से संबंधित चर्चा हो। सरकार सदन में इस विषय पे, उन्होंने बांग्लादेश सरकार से जब से तख्तापलट हुआ है हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर क्या बातचीत रही, क्या उसका कंक्लूजन रहा, वो सदन के सामने रखे और पूरा सदन एक आवाज़ में इस घटना को कंडेम करे, इसकी निंदा प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाए, ऐसी मैंने मांग रखी थी। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए, और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए, विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें, बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो ऐड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं, तो भारत के हिंदुओं को, भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ये बात जो अभी अंत में आपने सुनी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, कि अगर कोई अभी और समाज होता, धर्म कोई और होता, उसके लोग अपने मुद्दों पर कम से कम एकजुट होते हैं, हिंदू समाज विघटित रहता है, उसको दूसरे तबके के साथ क्या बीत रही है उस पर शायद उतना आंदोलित वो नहीं होता। लेकिन बांग्लादेश से क्या ये परिस्थिति बदल गई है? वो चुनाव के नतीजों में भी दिखाई दे रही है, वो अपोजिशन के रवैये में भी दिखाई दे रही है, या ये कहना अभी जल्दबाजी है? देखिए, जो महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम आया, जिस तरीके से हिंदुत्व की छतरी में सभी लोगों ने एकत्रित होकर वोट किया है, विपक्ष डर गया उससे। जिस तरीके से वहां कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की जो दुर्गति हुई है कि विपक्ष ने नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली, उसका सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल को नजर आ रहा है दिल्ली के चुनाव को लेकर। और ये जो राघव चड्ढा जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कि हम हिंदुत्व लोगों से दूरी बनाकर नहीं चल सकते। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बागेश्वर धाम की जब यात्रा निकली तो दिग्विजय सिंह जो इतने मुखर रहते हैं हिंदू धर्म को लेकर, उनके बेटे जो विधायक है जयवर्धन सिंह, वह पदयात्रा में शामिल होते हैं, अच्छा, उनका सम्मान करते हैं। कमलनाथ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, उनके बेटे नकुलनाथ, वो आर्थिक मदद करते हैं बागेश्वर धाम की पदयात्रा को,
और कहते हैं कि मैं कथा करवाऊंगा इनकी मेरे छिंदवाड़ा के अंदर। कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायकों ने बागेश्वर धाम की पदयात्रा में अपना समर्थन दिया अपने क्षेत्र में जब निकली है, तो ये बता रहा है कि वो जानते हैं कि जब उन्हें अपना चुनाव लड़ना है तो सिर्फ एक खास तबके के वोट के दम पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ये संदेश चला गया कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, हिंदू धर्म के विरोध में काम करती है, उनको उनके महत्व नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये जो बता रहा है ये बदलाव बारूक बता रहा है। और ये डर महाराष्ट्र के परिणाम से सिर्फ बाकी ममता बनर्जी को भी बहुत डर हुआ है। नेताओं का रुख एक किस्म का प्रतिबिंब होता है जो समाज के अंदर चल रहा होता है। क्या अभी ये जल्दी है कहना कि एक कलेक्टिव रूप से एक कॉन्शियसनेस उभरी है हिंदू समाज के अंदर अपने मुद्दों को लेकर ही, उसमें एक आवाज में बोलने की प्रयास हो रहे हैं, या अभी ऐसा कहना शायद इतने बड़े देश में जल्दबाजी है? नहीं, मेरा ये मानना है कि वो एक तरह से कहें कि कॉन्शियस कह लीजिए या अवेयरनेस कह लीजिए, चैतन्य होना कह लीजिए, वो तो इस देश में 1992 से ही शुरू हो गया था, या 1990 से कह दें, और वो शुरू हुआ ठीक से शुरू हुआ। अगर नहीं शुरू हुआ होता तो एक साथ चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। 1996-98 और उसके बाद आप देखें तो 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी वो उसी का एक प्रतिबिंब था। लेकिन नेताओं को सोचना होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता, भारत की जनता सही मायनों में लोकतांत्रिक है, उदार है। हिंदू मन होने के बावजूद अगर आप दूसरे कई पैरामीटर पर गलत काम करते हैं या उनकी आकांक्षा पर खरे नहीं उतरते तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि देश आज हिंदू मानस की तरफ या कहें अपने मूल की तरफ लौटा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बरसों से कहता आ रहा, आज सबको लग रहा है कि यही सही है।